पर्दे भी हटाने थे क्योंकि पर्दे इसलिए नहीं हटाए थे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 बजने वाले हैं, 8:15 बज रहे हैं और बच्चे चले गए, सब चले गए हैं स्कूल, दोनों बच्चे, भाई अपना लाइब्रेरी और मेरी चल रही आज अच्छे से घर की साफ़ सफाई, जो मैं हफ्ते में एक दिन ज़रूर करती हूँ। अब फाइनली जब रोड बिछ चुकी है तो अब धूल नहीं होगी, ना के बराबर होगी, तो धूल की वजह से ख़राब हो जाते थे सोफे बार बार। तो मैंने कहा चलो आज इनको अच्छे से क्लीन कर देते हैं गीले कपड़े से साफ करके, ये ऐसे भी वॉशेबल है। तो मैंने कहा चलो आज ज़रा डीप क्लीनिंग करी जाए और साफ़ सफाई चल रही, और टाइम देख लो, मैं बोल रही थी कि अभी 8:30 नहीं बजे, मेरी घड़ी हमेशा 5 मिनट आगे रहती है, तो अभी टाइम हो रहा है 8:20, तो बस मैं साफ़ सफाई में लग रखी हूँ, तो फटाफट से अपनी साफ़ सफाई निपटाएंगे। तो अभी यहीं से शुरू कर रही हूँ, अंदर अभी सिर्फ झाड़ू लगाए, पोछा नहीं, अभी सोफ़ों से शुरू कर रहे हैं। पर्दे भी हटाने थे क्योंकि पर्दे इसलिए नहीं हटाए थे, धूल मिट्टी आ रही थी, तो मैंने सोचा था कि जब ये धूल मिट्टी ख़त्म हो जाएगी, बारिश आ जाएगी, तब चेंज करूँगी मैं इनको, या मैं इनको चेंज तब करूँगी। मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे घर, क्योंकि इतने टाइम के बाद जब वो घर आएंगे तो घर का माहौल, मतलब डेकोरेशन अच्छा अच्छा होना चाहिए था ना, तो इसलिए तो भाई वो अभी तो नहीं आ रहे, पता नहीं कब तक आएंगे, उनको 6 महीने हो चुके हैं अभी और मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, इस महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, मैंने कुछ डिसाइड नहीं है, अभी तो नहीं आ रहे। तो जब मैंने सोचा कि जब वो आएंगे मैं इन पर्दों को तभी चेंज करूँगी, क्योंकि तब मैं पूरे घर का डेकोरेशन चेंज करूँगी, अच्छे से साफ सफाई करूँगी और पूरा चेंज होगा। तो जब हस्बैंड आएंगे तभी हमारे पर्दे सब चेंज होंगे, अभी तो नहीं। अभी मैंने कहा अभी चला लेते, वैसे भी ये है कि फिर इकट्ठा बात में इनकी साफ़ सफाई हो जाएगी और घर का डेकोरेशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज माहौल भी चेंज हो जाएगा, है ना। काम निपट चुका है और 9:45 टाइम हो गया है, तो सब काम हो गया, नहा भी गई हूँ मैं, अब बस ब्रेकफास्ट बाकी है, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और उसके बाद अब फिर कोई काम नहीं है 12:30 बजे तक, उसके बाद जाना है बेटे को लेने, तो अभी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने ना आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन में बनाया था पास्ता, और ये देखो ये है मलाई, मुझे मलाई बहुत पसंद है, तो अब मैं घी तो नहीं बनाऊंगी, घी आपने देखा कि 1 किलो मलाई का इतना सा घी निकला, तो मैंने सोचा कि जमा करेंगे, बटर बनाएंगे और जिस दिन मन करेगा उस दिन खुद खा लेंगे। तो बस पास्ता, रोटी, मलाई और चाय, तो ये है आज सुबह का ब्रेकफास्ट। और इतना ख्याल रखा जा रहा है रोड का कि सिंचाई भी कर रहे, कभी देखा है कि इतनी मेहनत से बना रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, देखो कारपेट भी बिछा दी थी ताकि इसके ऊपर ना पानी डाले और पूरी रोड भीगी भीगी रहे, और देखो वहाँ रखा है वाटर बोतल, बन गई ना हाईवे जैसी वाली रोड। भाई वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं कि रोड जो बिछे वो अच्छे बिछे, ताकि मतलब उनकी बहुत तारीफ, और ठेकेदार पे भी बात होती है, अलग अलग ठेकेदार, तो जो इस जिसने ये रोड बिछाई ना वाकई में बहुत अच्छे हैं वो अंकल जी जो ठेकेदार हैं, बहुत ही अच्छे, क्योंकि मतलब देखो इतना ख्याल रख रहे, नहीं तो वो बिछा के चले जाते, बोलते हमारा क्या जा, लेकिन उन्होंने कारपेट बिछाई उसको गीला कर रहे ताकि नमी बनी रहे, रोड फर्स्ट क्लास सालों साल चले। तो अभी वही सिंचाई का काम चल रहा है और हम तो सिंचाई ना कर ही रहे हैं अपने घरों के सामने, आमने सामने पे, लेकिन ये कि उधर कौन करेगा, उधर भी घर नहीं बने रहे, इसलिए अरे वो अभी खुद भी आ रखे ठेकेदार जी, हर एक काम देख देख के कि सही से हो रहा है कि नहीं रहा, तो वाकई में ठेकेदार पे भी बात होती है। भाई यहाँ बन गए हमारे, कड़ी बन गई, चावल मैं आके बनाऊँगी, है ना, चावल अभी रखे हुए हैं, आके इनको धुलूँगी बनाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गया है 12:30 से ज़्यादा, बस 5 मिनट बाद मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, और है ना, और कपड़े मैंने निकाल दिए उसके, क्योंकि सुबह वो नहा के गया था तो नए मतलब दूसरे कपड़े पहने, वही वाले ने वो धुलने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े निकाल दिए, पूरी तैयारी है, बस अब बेटे को लेने जा रही हूँ मैं, टाइम हो चुका है उसका, भारी इतनी गर्मी लग रखी है ना, तो सोच रही थी स्कूटी लेके जाऊँ, लेकिन अभी रोड पर वो कालीन वगैरह बिछा रखी, तो अभी गाड़ी मतलब आज या कल 2 दिन तो मुश्किल ही है कि चलानी है, वो बिछ रखी है कहीं कहीं पे, तो 2 दिन बाद ही गाड़ी, नहीं तो गाड़ी लेके जाती 5 मिनट में उसको लेके आती, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, छाता ले जाना पड़ेगा, तो बस निकल रही हूँ जस्ट वीवो को लेने। इस गर्मी चेक करिए, इतनी गर्मी हो रही कि उन्होंने पानी डाला, देखा आधा घंटे में ही सूख गया बिल्कुल,
ऐसे इतनी गर्मी हो रही भाई देहरादून में, इतनी तेज़ धूप, और जबकि तीन तीन चार चार राउंड मारे इन्होंने इसके ऊपर पानी डाला, और देखो पूरा सूख गया। तो मैं बस विवान को ही लेने जा रही थी, और मैं तो जा रही हूँ भाई छाते में। बिना छाते के जाऊँगी ना तो कहीं रास्ते में गिर पड़ूँगी धूप की वजह से, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो छाता तो ज़रूरी है। स्कूल से आते ही चेंज करता है, और चेंज करते ही ये क्या करता है, सीधे टीवी देखने लग जाता है। ये देखो है ना, पता नहीं क्यों जैसे याद है जैसे कैद से नहीं छूटता, फटाफट चेंज करेगा, हाथ पैर मुंह धुलेगा और उसके बाद टीवी देखने लग जाएगा। और ये इसके लिए आ चुका है, यहाँ फ्रूट्स अभी फ्रिज से निकाला, तो 5 मिनट इसको ऐसे ही बाहर रखेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा, उसके बाद ये खाएगा, फिर उसके बाद ही खाना खाता है, क्योंकि ये स्कूल में टिफ़िन लेके जाता है, तो स्कूल में टिफ़िन फ्रूट्स का। इधर देख के बोलो ना। ये नहीं लेके जाता माही, तो मैं इसको ना घर पे आके तब खिलाती हूँ फ्रूट्स। तो भाई हस्बैंड ने बच्चों के लिए विवान के बर्थडे गिफ्ट का KFC से इसको रोस्टेड खाना था कि माही को भी, तो मैंने कहा था कि चलो कोई नहीं मैं लेके आ जाऊंगी रोस्टेड घर पे बनाऊंगी, लेकिन उन्होंने खुद से ऑर्डर करा KFC से, भिजवा दिया माल ले, तो मैंने कहा चलो आ गया तो रात का ही खाना हो गया वो, तो अभी कोल्ड ड्रिंक भी इसके साथ और KFC का चिकन भी है, तो चलो बच्चों को देते हैं क्योंकि इसको ये तो रह नहीं पा रहा है। इनको प्लेटों में दे दिया क्योंकि फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना था कि इसने ज़्यादा खाया इसने कम खाया, तो प्लेट में और ये बच गया, इसमें से मैं खाऊँगी। और देखते ये लोग ना ऐसे तो माई चिकन खाते नहीं, लेकिन रोस्टेड देखो, रोस्टेड ये खूब अच्छे से खाती है। ये भी इसके साथ दो ये चटनी है, एक मेयोनीज है और एक ये चटनी है, सॉस है, और साथ में हस्बैंड ने कोल्ड ड्रिंक भी, तो मज़ा आ गया आज पार्टी करी। और ये है विवान के बर्थडे की पार्टी स्पेशल, पापा ने बिबू को दी, बोला मैं वो आ रहे थे इसके बर्थडे में लेकिन छुट्टी नहीं आ पाए, कैंसिल हो गई उनकी छुट्टी, तो उन्होंने विवान के मतलब 10 दिन हो गया बर्थडे को इसके, तो अब भेजा इसके लिए गिफ्ट। ठीक है फिर गाइस, ये व्लॉग भी हम यहीं पे एंड कर देते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को जो खास कर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिए।